हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लेटेस्ट हॉट फ्रोजन कलेक्शन की वीडियो। एंड जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, आज हमारे पास है फ्रोजन की अलग अलग टाइप की स्टेशनरी आइटम्स। एंड जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स है, स्टेशनरी सेट है, इरेजर है, शार्पनर है, एंड कोई सब भी करेंगे अनबॉक्सिंग एंड देने वाले ढेर सारे रिव्यू। एंड दोस्तों वीडियो जरूर से एंड तक वॉच करना एंड बताना आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी। एंड दोस्तों प्राइजेस भी इनके डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना चैनल को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आती है एक बहुत ही शानदार चीज, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। आपको नॉर्मल चीज लग रही होगी, बट गाइस ये बहुत ज्यादा शानदार एंड अलग चीज है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो। वाओ, एंड गाइस यहाँ पर देखो छोटा सा टेडी बेयर। एंड गाइस ये वाली यूनिक चीज है मैग्नेटिक पैन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। वाओ, कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख भी सकते हो, ये मैग्नेटिक पैन है, जो कि आप कुछ इस तरीके से करोगे तो भी नहीं गिरने वाला है। एंड गाइस ये वाला पैन मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था। एंड आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अटैच हो जाता है इस तरीके से, आपको दिख भी रहा होगा, देखो गिरेगा भी नहीं बिल्कुल नीचे। एंड गाइस ये वाला पैन बहुत ज्यादा शानदार एंड यूनिक लगा मेरे को तो। एंड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है सिर्फ 60 रुपीज। एंड गाइस इसको हम चलाकर भी चेक करेंगे, तो फटाफट से मैं आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ कि वर्क करता है या नहीं है। तो फटाफट से इसको हम चलाते हैं। तो ये रही अपनी प्यारी कॉपी, एंड इस पर चलाएंगे तो ये देखो दोस्तों कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है अपना ये पेन। एंड गाइस ये पेन किस किस को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड यार ये मैग्नेटिक पेन तो बहुत ज्यादा शानदार निकला, यहाँ देख सकते हो। वाओ, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में दोस्तों। एंड गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट पेन आ जाता है, ये देख सकते हो। वाओ, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना दोस्तों। एंड गाइस ये है मल्टी कलर पेन, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों टॉफी जैसा डिजाइन दे रखा है। एंड यहाँ पर हम रिफिल्स को काउंट करते हैं, तो यहाँ से हम ब्लू से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों 10 रिफिल्स वाला है ये मल्टी कलर पेन, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों। एंड गाइस इसको भी हम चलाकर चेक करेंगे। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है 80 रुपीज, जो कि दोस्तों इस कॉस्ट में बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड गाइस ये 10 रिफिल्स आते हैं इसके अंदर, यानी कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा शानदार सा पेन भी है। एंड गाइस इसको हम चलाकर भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम रेड को चलाते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर आपको उसको नीचे करना है, तो फिर ये देख सकते हो अंदर रिफिल हो जाती है, तो ये देख सकते हो। वाओ, कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है यार ये वाला पेन, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया पेन है। एंड यहाँ पर हम इसको भी रख देते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट पेन अपने पास आता है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा मरमेड जैसा आपको लग रहा होगा। एंड गाइज यहाँ स्पार्कल देख सकते हो, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना देखने में। ओह माय गॉड, वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ मिलेगी देखने के लिए, यहाँ देख सकते हो लाइट जलती है इसके अंदर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है गाइस। एंड गाइस इसको हम चलाकर भी चेक करेंगे। एंड यहां पर आप देख सकते हो, वाओ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल पेन है ना गाइस। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज, जो कि देख सकते हो कितना ज्यादा यूनिक है एंड अमेजिंग भी है दोस्तों साथ में। एंड यहां पर हम इसको चलाएंगे थोड़ा सा, तो यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। एंड गाइस ये आपको पेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला पेन। एंड गाइस अब हमारे पास आता है एक और यूनिक सा पेन, जो कि आपको लिपस्टिक लग रही हो गाइस, मेरे को भी फर्स्ट टाइम में लिपस्टिक ही लगी थी, बट गाइस ये पेन है जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वाओ कितना ज्यादा इसके अंदर वो देख सकते हो स्टार्स वाला ग्लिटर टाइप दे रखा है। एंड गाइज ये देख सकते हो, ये है एक लिपस्टिक वाला पेन, जो कि गाइज मेरे को पड़ा था 40 रुपीज का। एंड गाइज इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से पेन वर्क कर रहा है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है गाइज, मजा आ गया इसको चलाकर। एंड गाइज ये लिपस्टिक वाला पेन किसको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इसको यहाँ पर रख देते हैं साइड। एंड गाइज अब हमारे पास है एक बहुत ही शानदार सा शार्पनर, जो कि दोस्तों बिल्कुल नहीं लगता है पहली बार में देखने के बाद ये शार्पनर। एंड गाइस ये अलार्म क्लॉक जैसा आपको लग भी रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग वगैरह चल रही है। एंड नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं दो शार्पनर, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में भी। एंड यहाँ पर दो शार्पनर दिए हुए हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हो, वाओ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार देखने में, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है ये। तो यार ये वाला शार्पनर कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज। एंड गाइस अब हमारे पास आता है ये वाला देख सकते हो प्रिंसेस का अमेजिंग सा ट्रॉली सेट, जो कि आप यहाँ देख सकते हो व्हील्स देख सकते हो, वाओ कितने छोटे छोटे से व्हील्स है ना, एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एंड यहाँ ट्रॉली स्टिक भी है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर क्या खासियत है। एंड गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती है देखने के लिए एक इरेजर। एंड यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ मिल जाता है अपन को देखने के लिए शार्पनर, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है दोस्तों, आप यहाँ देख भी सकते हो। वाओ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना ये, देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगा यार सच में। एंड आपको ये कैसा लगा ट्रॉली सेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा यार। एंड यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। एंड गाइस अब हमारे पास है एक और अमेजिंग सी चीज, जो कि आप यहाँ देख सकते हो शटल कॉक,
जो कि दोस्तों प्लास्टिक वाली शटल कॉक है, जो कि आपको लग भी रहेगी। एंड गाइस इसमें खासियत है जो कि आप यहाँ देखोगे ना तो दोस्तों डर जाओगे, ये देख सकते हो। वाओ, यहाँ पर हमें एक शटल कॉक वाला शार्पनर मिला है जो कि दोस्तों शटल कॉक जैसा ही लगता है। एंड गाइस ये पूरी शटल कॉक आपको लग भी रहेगी, यहाँ से हम इसको खोल देते हैं, यहाँ शार्पनर मिलता है देखने के लिए जो कि आप यहाँ देख सकते हो। एंड नीचे भी जगह है देख सकते हो बहुत ज़्यादा, यहाँ से हम अपना डस्ट वगैरह आराम से फेंक सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग शार्पनर है। एंड गाइस इसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, सच में बहुत ज़्यादा मस्त लगा। एंड आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस अब हमारे पास आता है ये आउल वाला शार्पनर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है ना यार आउल वाला शार्पनर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं दो शार्पनर, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो दोस्तों। एंड यहाँ से हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जगह कितनी ज़्यादा जगह है ना दोस्तों, यहाँ पर अपना डस्ट आराम से इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा जगह है। तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है आउल वाला शार्पनर। एंड किस किस को अच्छा लगा है आउल वाला शार्पनर हमें ज़रूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको रख देते फिलहाल साइड में। एंड गाइज अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, देख सकते हो वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा स्पिनर है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो ना कितना ज़्यादा अमेजिंग सा है। एंड गाइस ये पॉपिट वाला स्पिनर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो ना कितना खतरनाक है ना, यहाँ देखोगे दोस्तों आप यहाँ इसको घुमाओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है यार दोस्तों। एंड यहाँ पर देखोगे तो बोरिंग सा फेस, एंड यहाँ हैप्पी है दोस्तों। तो गाइस आप जरूर से हमारी वीडियो को लाइक करना, जब भी ये खुश होगा देख सकते हो कितना गुस्सा है, एंड आपने अभी तक लाइक भी नहीं करा तो कर देना एंड ये खुश हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें मिलते हैं देखने के लिए पॉपिट टॉय जैसे चीज़ें, देख सकते हो पॉपिट कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं आराम से, ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त चीज़ है ना, ये देख सकते हो वाओ अमेजिंग यार। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है यार, देख सकते हो ना मज़ा आ रहा है दोस्तों उसके साथ खेलने में भी, सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा यार मेरे को। एंड आपको ये कैसा लगा पॉपिट स्पिनर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड गाइज यहाँ स्पिनर अपना ये रहा एंड पॉपिट ये रहा, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। एंड गाइज इसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़, जो कि इस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ है। एंड गाइज अब हमारे पास आती है एक और अमेजिंग सी चीज़, जो कि आप यहाँ देख सकते हो रोमांटिक इरेजर्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हो पूरी आइसक्रीम वाली है दोस्तों, देख सकते हो ना वाओ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइज इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो बिना देरी करे फटाफट से करते हैं अनबॉक्स। एंड गाइज यहाँ पर हम इसको फटाफट से खोलते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा शानदार सी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको वन करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके की आइसक्रीम हमें मिल जाती है, जो कि ब्लू कलर की। एंड गाइज स्टिक देख सकते हो ना, निकल जाती है शायद ये, तो यहाँ पर स्टिक नहीं निकलती है। एंड गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो कोन टाइप वाली भी आइसक्रीम है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दो फ्लेवर्स है गाइज अपने पास, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दो फ्लेवर्स इसमें भी अपने पास है दोस्तों। एंड यहाँ पर देख सकते हो वाओ ये चोकोवार जैसी लग रही है ना दोस्तों, सॉरी अमेजिंग है यार, सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड आपको ये रिजल्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो कि देखने में इतनी ज़्यादा वंडरफुल है ना, सच में मज़ा आ गया देखकर। एंड यहाँ पर हम इनको रख देते हैं फिलहाल साइड में। एंड गाइज ये इरेजर्स किस किस को अच्छी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। एंड गाइज अब हमारे पास आती है एक और अमेजिंग सी चीज़, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो वाओ गाइज ये हमारे पास फ्रोजन का स्टेशनरी सेट, जो कि दोस्तों स्मॉल है एंड अपने पास बड़ा वाला भी है, तो दोनों है दोस्तों। एंड इसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़, जो कि इस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड गाइस इसको गिफ्ट वगैरह में दे सकते हो, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा शानदार। तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं, तो यहाँ से हमें इसको ओपन करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको खोल देता हूँ, तो फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें पिन वगैरह लग रखी हैं। एंड गाइस मैंने खोल भी दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमें डायरी भी मिली है इसके साथ, ये देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मिली है ना, सच में गाइज बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, देख सकते हो। आपको कैसा लगा ये बताना ज़रूर से। एंड गाइज मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ बाहर। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कितनी ज़्यादा अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो मैं आपको वन करके फटाफट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ्रोजन की एक क्यूट लैपटॉप डायरी, जो कि छोटी सी है गाइज, देखने में बहुत ज़्यादा मस्त है। एंड यहाँ पर आप इसके पेजेस देख सकते हो कितने छोटे छोटे। एंड गाइज यहाँ देख भी सकते हो गाइज वाओ कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ना गर्ल्स। एंड आपको एक कैसी लगी डायरी ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर अपने पास आता है एक मल्टी कलर पर्पल पेन, जो कि देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना यार, बहुत ज़्यादा शानदार है। एंड इसको हम चलाएंगे कॉपी पर। एंड गाइस ये वाला पेन मेरे को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मल्टी कलर पेन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिफिल्स, ये देखो दोस्तों। एंड आपको यहाँ पर पिंक को चलाना है। एंड गाइज यहाँ पर हम जैसे इसको नीचे की तरफ करेंगे ना तो ये बंद हो जाता है, तो ये वाला पेन दोस्तों में बहुत ज़्यादा शानदार निकला। एंड आपको ये वाला पेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो दोनों का बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्बिनेशन लग भी रहा है दोस्तों। एंड गाइज इसके साथ हमें दो चीज़ें और मिली हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो यार दोस्तों, ये देखो छोटी सी चीज़ है बट गाइज ये बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको फटाफट से। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो मिनी हाइलाइटर, जो कि हमारे डेली यूज़ में बहुत काम आता है स्टडी वगैरह में भी। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसको हम चलाएंगे,
तो ये देख सकते हो वर्क भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से कर रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा मेरे को ये हाईलाइटर। एंड आपको ये कैसा लगा पर्पल हाईलाइटर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइज ये फ्रोजन वाला है वैसे। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये टेप है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, पूरी अमेजिंग सी टेप है जो कि आपको यहाँ दिख भी रही होगी। वाओ यहाँ पर आपको दिख रहा हो फ्रोजन ने दे रखी इसमें जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पर हम इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में। एंड गाइज नेक्स्ट चीज अपने पास आती है, एक और बहुत ज्यादा शानदार सी चीज है जो कि आपको देख सकते हो थोड़ी बॉटल जैसी है दोस्तों वैसे। एंड आप यहाँ देख सकते हो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। एंड गाइज इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूं तो इसकी कॉस्ट है 50 रुपीज जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें फटाफट से सारी बोतल्स को निकालना है बाहर। तो यहाँ पर आप देखो ना दोस्तों कितनी ज्यादा अमेजिंग है यार, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग। यहाँ पर आपको ये सारी बॉटल्स लग रही होंगी। एंड गाइस इसमें हम एक बॉटल चूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है यार देखने में भी। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों ये पीले कलर की बॉटल है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड गाइस यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्लिटर टाइप भर भी रखा है। एंड गाइस ये बॉटल नहीं है, ये है एक हमारा मार्कर जो कि आप यहाँ देख सकते हो ना दोस्तों। आप भी चौंक गए, मैं भी चौंक गया। एंड गाइस ये बहुत ज्यादा बॉटल वाला शानदार सा मार्कर है जो कि देखने में इतना ज्यादा ऑसम है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड इसको हम चलाएंगे भी यहाँ पर तो ये देखो दोस्तों कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो यार ये आपको कैसा लगा बॉटल वाला मार्कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। एंड यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं। एंड गाइस इसमें कलर्स भी हमें मिल जाते हैं देखने के लिए बहुत सारे, ये देख सकते हो पर्पल है, ऑरेंज है, ग्रीन है, देख सकते हो सारे लाइट कलर है दोस्तों, बहुत ज्यादा अमेजिंग यार। एंड गाइज अब हमारे पास आ जाती है फ्रोजन की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो। वाओ इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ गाइज, इसकी कॉस्ट है 400 रुपीज जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है। एंड गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ फ्रोजन का डिजाइन दिया गया। एंड यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है देखने के लिए शार्पनर जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यार डस्ट इकट्ठा होने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया जगह है। एंड यहाँ पर आप रख सकते हो अपने इरेजर्स को भी सेफली, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड गाइज यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पर हम इसको खोलते हैं तो ये देख सकते हो यहाँ पर भी हमें जगह मिलती है देखने के लिए। एंड गाइज यहाँ पर भी हम इसको ओपन करते हैं तो गाइज थोड़ा खुल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। एंड ये देख सकते हो ये मिलती है इसके अंदर हम इतनी ज्यादा स्पेस जो कि देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है गाइज। एंड गाइज यहाँ पर भी हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जगह है, तो वाओ कितनी ज्यादा जगह है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़िया है दोस्तों देखने में भी, वाओ अमेजिंग यार। यहाँ पर अपनी पेंसिल वगैरह रख सकते हो एंड यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हो। एंड अब पीछे भी देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी फ्रोजन की एक ड्राइंग दे रखी है जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में भी, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह क्लास वगैरह डालनी है। एंड यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं टेबल्स जो कि देख भी सकते हो दोस्तों आप अच्छी तरीके से। एंड आपके टेबल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले स्टडी में। एंड यहाँ जगह भी अच्छी खासी मिलती है हमें देखने में, डी वगैरह आप जो भी चाहो रख सकते हो आराम से। पर ये वाली फ्रोजन वाली ज्योमेट्री मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ये अटक रहे हैं बट अब ये खुलना चालू हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स लगी मेरे को तो। एंड आपको ये फ्रोजन वाली जंबो ज्योमेट्री कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। एंड गाइज अब हमारे पास एक और फ्रोजन की ब्लू कलर की ब्यूटीफुल सी ज्योमेट्री बॉक्स आ जाती है जो कि दोस्तों देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। एंड दोस्तों ये है पासवर्ड लॉक ज्योमेट्री बॉक्स जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो। एंड गाइज पासवर्ड हमें दे दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो 235। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको डालते हैं देख सकते हो। वाओ ये दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल दिया है। एंड गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो ज्योमेट्री, एंड ये देख सकते हो वाओ कितनी ज्यादा अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है ना। यहाँ पर आप रख सकते हो पेन वगैरह जो कि आपको जगह दिख रही होगी, अच्छी खासी जगह है दोस्तों। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है टाइम टेबल एंड एक पेंसिल जो कि प्रिंसेस की है दोस्तों, बहुत ज्यादा अमेजिंग। एंड आप जगह भी देख सकते हो कितनी ज्यादा जगह है, वाओ अच्छी लग रही है दोस्तों देखने में ज्योमेट्री बॉक्स। एंड आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड यहाँ पर हम इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, ये देख सकते हो ओ माय गॉड यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बंद कर देना। तो यार गाइज ये हमारा लॉक हो चुकी है ज्योमेट्री, अब इसको हम खोल नहीं सकते हैं जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पर अब ये खुलेगा नहीं। तो यार ये ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइज इसकी कॉस्ट है 250 रुपीज जो कि दोस्तों इस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अमेजिंग ज्योमेट्री। एंड गाइज आपका सेफली सामान इसके अंदर रहेगा। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स। एंड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। एंड गाइज नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास आ जाती है, देख सकते हो वाओ ये फ्रोजन की कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर सबसे पहले अमेजिंग सी ड्राइंग दिखती है फ्रोजन की जो कि देख सकते हो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है, पर्पल ज्योमेट्री है। एंड यहाँ पर हम इसको ओपन करते हो तो यहाँ शार्पनर मिलती है हमें देखने के लिए, वो भी दो दो दोस्तों। एंड यहाँ डस्ट भी इकट्ठा बहुत ज़्यादा होगी देख सकते हो ना। एंड यहाँ पर हम इसको बंद करते हो तो यहाँ पर हमें मिलता है कैलकुलेटर देखने के लिए। एंड यहाँ ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे तो यहां पर हम इसको देख सकते हो, चला भी सकते हैं ये देख सकते हो, वाओ अमेजिंग तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहां पर हम इसको ऑन करके फिर ऑफ कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड अंदर की तरफ हम जिसको अंदर की तरफ खोलेंगे तो यहां पर फ्रोजन की 3D देख सकते हो, ओ माय गॉड यहां फाइट मोड में है दोस्तों,
एंड यहाँ देख सकते हो 3D लुक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारा सामान आप रख सकते हो जो मैं बता रहा था आपको, ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल शार्पनर वगैरह वगैरह जो भी आप रखना चाहते हो दोस्तों। एंड इसको हम बाहर करते हैं तो देख सकते हो क्या लुक आ रही है ज्योमेट्री बॉक्स की, ना मस्त लग रही है वैसे दोस्तों। एंड पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें हर ज्योमेट्री बॉक्स में टेबल्स मिलते हैं देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है ज्योमेट्री बॉक्स। एंड आपको ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। एंड दोस्तों मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ज्योमेट्री बॉक्स। एंड गाइज स्टेशनरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्टेशनरी सेट, जो कि फ्रोजन का ही है गाइज। एंड गाइज ये आपको गिफ्ट वगैरह देने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड गाइज इसकी कॉस्ट 250 रुपीज़, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वन वन करके, तो फटाफट से इसको हम हटा देते हैं। एंड गाइज यहाँ से मैं इसको फेंक देता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो दोस्तों सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार से फ्रोजन के वैक्स क्रियोन्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोस्तों। देखने फ्रोजन की पिक्चर दी गई है। एंड गाइज नीचे की साइड आप देखोगे ओपन करके तो यहाँ पर हमें इरेजर्स भी दी गई है, देख सकते हो फ्रोजन की है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप देखोगे नीचे की साइड तो एक शार्पनर भी मिल जाता है, जो कि दोस्तों नॉर्मल सा ही शार्पनर है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा पिंक कलर का नॉर्मल सा शार्पनर है। एंड गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो प्रिंसेस की ब्यूटीफुल सी पेंसिल है, जो कि दोस्तों फ्रोजन ही बन रखी है, देख सकते हो आपको दिख भी होगी अच्छी तरीके से, देख सकते हो वाओ। एंड गाइज यहाँ पर हमें एक स्केल मिल जाती है। एंड यहाँ पर एक हमें ज्योमेट्री बॉक्स भी मिल जाती है, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो वाओ कितनी ज़्यादा बढ़िया है ना ये ज्योमेट्री बॉक्स। एंड देख सकते हो मेटल में है दोस्तों, वाओ अच्छी है दोस्तों। एंड पीछे देख सकते हो ABCD टेबल्स वगैरह लिख रखे हैं, तो यहाँ पर हम इसको फटाफट कितना सामान रखते हैं सेट करके दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्केल रख दिया है। एंड अब हम रखते हैं वैक्स क्रियोन्स, अब इसके साथ ही हम रखेंगे दो पेंसिल्स जो कि हमें मिली है। एंड गाइज ये देख सकते हो अपना स्टेशनरी सेट पूरा रेडी होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स हो चुकी है अच्छी तरीके से रेडी। एंड आपको वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी फ्रोजन की कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताना। एंड गाइज यहाँ पर हम इसको फिलहाल रख देते हैं। इसमें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों, टाटा।